हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। कैसे हो आप सब? हमारे घर पे नौकन्या की पूजा थी, तो उसमें नौकन्या को तो नहीं बुला पाए, तो एक ही कन्या आई है। उनके साथ में उनका भाई आया हुआ है, जिसकी मम्मी पैर धो रही है। जो कन्या के लाने के पहले का ये पैर धोना पड़ता है, जो भी बच्चे घर पर आते हैं। तो वो देखिए, अभी घर के अंदर एंट्री करे है। अभी ये लोग बैठे हुए हैं कि कब आंटी जी हमको खाना ला के देंगे। सो ये देखिए, लोग वेटिंग पे है अभी। और मम्मी यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म पूड़ी निकाल रही थी, तो मम्मी देखो कैसे पूड़ी बना रही है। तो मैंने ना फटाक से शूट ले लिया था थोड़ा सा। और ये दीदी यहाँ पे पूड़ी तल रही थी, और ये देखो कैसी फुली फुली पूड़ी है। वो बोलती फटाफट से ले लो मेरा वीडियो, फुली फुली पूड़ी है। तो मैं बताती हूँ आपको घर पे क्या बना था। हलवा बना हुआ है जो देवी माता को चढ़ता है, पुलाव चावल बना हुआ था ताकि बच्चे आराम से खा ले, और साथ में कढ़ी बनी हुई थी जो मैं चम्मच हिलाने का काम कर रही थी, और चने की सब्जी है जो मेन प्रसाद रहता है। और मैंने देखो फिर फटाफट से ना थाली भी लगा दिया था, क्योंकि कन्या को भोजन करवाना था। तो उसमें मैंने दिया है पूरी, चने की सब्जी है, कढ़ी है जो अभी आपको बताया, हलवा और मसाला चावल है। तो ये मैंने निवेद निकाला था। एक्चुअली भगवान को जो चढ़ता है वो तो हलवा पूरी और चना ही रहता है, बट बच्चे लोग खा लेते हैं, इसीलिए कढ़ी और पुलाव भी हम लोग बना लेते हैं साथ में। मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में हमने छोटी सी जो पूजा रखे थे नवरात्रि की, उसका मैंने छोटा सा वीडियो लिया हुआ है। तो ये देखिए, बड़ी पूजा तो नहीं रखे थे, सादी पूजा ही रखे थे। तो उसमें हम लोग जोत जलाते हैं, तो हमने वो जोत जलाए थे। मैंने ना छोटा सा डेकोरेट किया हुआ था भगवान जी के लिए, देवी माता के लिए। तो देखिए, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, और साथ में मैं आपका आपका मंदिर भी दिखा दूँगी आके, जो बाजू में ही था। एक देखो, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। मैंने ना छोटा सा DIY किया था, एक्चुअली घर का काम शुरू है तो बस ट्राई किया था, बट वो परफेक्ट बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं अब और क्या क्या बना लूँगी उसका वाला। तो मैं बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ उसके साथ में। बस मजाक मजाक में बन गया था। सो देखिए, अभी मम्मी ना हल्दी कुकू लगा रही है बच्चे लोग को। फिर दीदी फटाफट थालियाँ भी लगा दी थी, तो वो लोग अभी आराम से खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद में ये लोग मस्त अच्छे से बैठ के लोग वेट करते रहते हैं, आंटी जी के यहाँ कब कन्या नौकन्या का खाना रहेगा। तो वो लोग आने की वेट करते हैं। अभी देखो, मम्मी जो कन्या खाने के बाद में जो देते हैं, तो उसमें मम्मी ने जो दिया है केला दिया है, पैसे दिए और रक्षित देते हैं थोड़ा सा। तो मम्मी मुझे बोलेंगी फटाफट से तुम भी आशीर्वाद ले लो, मैं कैमरा लेके खड़ी थी। सो मैं भी आऊँगी, देखो मैं भी आशीर्वाद ले रही हूँ। ऐसे हमारा आज का ये दिन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।